News 18, India. चंद्रमोहन लगभग बीजेपी के साथ जेडीयू का फॉर्मूला लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे जो लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं वो साफ तौर पर इसके संकेत भी दे रहे हैं। और अभी जो राधा मोहन सिंह राजभवन में मिलने के लिए गए थे उससे पहले कल रात में 3 अधिकारी जो नीतीश कुमार के खासे अधिकारी हैं वो राजभवन मिलने गए थे। और लगातार बीजेपी का जो बयानबाजी सामने आ रहा है, जो बयान पहले बीजेपी के तरफ से जितने तल्ख तेवर में दिए जा रहे थे वो बिल्कुल ही कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। और जेडीयू की तरफ से भी कहीं ना कहीं हाथ बढ़ाते हुए जेडीयू दिख रही है। तो इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक तरफ आरजेडी के साथ खाई जो है वो बढ़ती जा रही है और नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही है। तो ये फॉर्मूला तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, जबकि 2 डिप्टी सीएम जो है वो बीजेपी के तरफ से होंगे। और लगभग तैयारियां सब कुछ पूरी की जा चुकी हैं और अब उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, इस्तीफा दें और उसके बाद फिर नए गठबंधन के साथ वो नई सरकार बनाए। कल शपथ लेती दिखाई देगी पटना में और ये एक तेजी से नया बनता समीकरण बिहार की सियासत में। लेकिन जिस तरह से चंद्रमोहन अब एक नया गणित बीजेपी ने बनाया है कि पिछली बार की तरह धोखा ना मिल जाए, क्या इसके लिए कोई एक नया समीकरण, नया फॉर्मूला और कोई नई तैयारी बीजेपी की रही है? बिल्कुल, देखिए सब कुछ एक तरह से कहा जाता है कि कोई भी सामान खरीदा जाता है तो एक बार उसको टटोल लिया जाता है, उसी तरीके से इस बार जो है बीजेपी वो ठोक बजाकर देख ले रही है कि नीतीश कुमार कहीं एक बार फिर से आने के बाद वो वापस नहीं चले जाएं। ऐसे में पूरी तैयारियां और पूरी फॉर्मूला जो है वो तैयार कर ली गई है और बीजेपी हर पहलू पर गौर कर ले रही है कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आए तो फिर से दोबारा उनको कहीं और जाने का मौका नहीं मिल पाए, इस पर भी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। तो इसी को लेकर बीजेपी और जो ये शपथ ग्रहण का जो वक्त है, गठबंधन जिस गठबंधन में अभी नीतीश कुमार है, इसके टूटने में वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि चारों तरफ और पूरी तैयारी कर ली जा रही है, उसके बाद से फिर नए गठबंधन में साथ आने की बात होगी। क्योंकि इस बार बीजेपी जो है वो फूंक फूंक कर कदम उठा रही है कि नीतीश कुमार अगर फिर से एक बार हमारे साथ आते हैं, एनडीए में आते हैं और उसके बाद नई सरकार बनाने की बात आती है तो किसी तरह का बीच में गैप ना रह जाए, कोई खाई ना हो और फिर से एक बार नीतीश कुमार कहीं और चले जाएं, तो इसकी पूरी पुख्ता तैयारी कर ली जा रही है और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी शुरू होगी, जो कि लगभग मुकम्मल होते हुए दिख रहा है। बस अब सिर्फ उस वक्त का इंतजार हो रहा है जब नए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे और अपने विधायकों का लिस्ट सौंपेंगे राज्यपाल को। किसे आप कह रहे हैं कि ठोक बजा के कदम उठा रही है बीजेपी, क्या इसी का एक एग्जांपल है कि दोनों डिप्टी सीएम जो होंगे वो बीजेपी से होंगे, जो स्पीकर होंगे वो भी बीजेपी से होंगे, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? दूसरी बात ये कि राबड़ी आवास पर भी इस टाइम हलचल दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए हलचल कल दोपहर से ही बढ़ी हुई है, चाहे वो हम बात करें जेडीयू की, बात करें आरजेडी की, बात करें कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, हलचल चारों तरफ है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी की बैठक दिल्ली में हुई, नीतीश कुमार अपने करीबी नेताओं से मुख्यमंत्री आवास में मिले, लालू यादव अपने कई विधायकों और करीबी नेताओं के साथ मिले, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार अपने विधायकों को फ़ोन कर रहे थे कि उनके विधायक कहाँ हैं क्योंकि पूर्णिया पहुँच रहा है। तो चारों तरफ जो बिहार की जो 4 मजबूत पार्टियाँ हैं वो सभी अपने विधायकों को अपने करीबियों के साथ बैठक कर रही है और सब लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इंटैक्ट रहे, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आई थी कि अगर कांग्रेस थोड़ी भी कमजोर पड़ी तो 2 भागों में कांग्रेस बढ़ जाएगी और वैसा ही कुछ होते हुए अब तक तो नजर आ रहा है। क्योंकि जो पूर्णिया में बैठक है उसमें 19 विधायकों को पहुंचना था, अभी सिर्फ 6 विधायक पहुंचे हैं, बाकी 13 विधायक कहाँ हैं किसी को पता नहीं चल पा रहा है। और पार्टी के जो वरीय नेता हैं वो लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि उनकी पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। जेडीयू की तरफ से भी ये दावा किए गए हैं कि कई कांग्रेस के विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। तो ऐसे में बैठकों का दौर चल रहा है और अब से थोड़ी देर बाद आरजेडी में एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत जितने भी विधायक हैं, सांसद जो राज्यसभा के हैं, वो उसमें शामिल होंगे और वहां पर भी एक नई रणनीति बनेगी कि
अगर सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है तो वो किस तरह से दावा अपना ठोकती है सरकार बनाने के लिए, तो अब से थोड़ी देर बाद वहाँ भी एक बैठक का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार इन सभी के बीच अभी बक्सर में मौजूद हैं, एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और जब वहाँ से वो पटना लौटेंगे यहाँ पर भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। जो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं वो यहाँ मुख्यमंत्री आवास में पहुँचेंगे और यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है क्योंकि कल का रूपरेखा यहीं से तैयार होना है। लेकिन अब जबकि पूरी तैयारियां कर ली गई है, क्या होगा आगे ये फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे। कल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कल दोपहर बाद शपथ ग्रहण हो सकता है।